नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज स्टार्ट करते हैं हम वोकेबलरी की सीरीज़। तो इसमें मैं आपको ये सभी जो किरण के वोकेबलरी है सभी सभी को कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें बने रहिए और आपका एसएससी का एग्ज़ाम भी निकट ही है, तो अब आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला आपका जो मीनिंग है वो आप देखना, एलेप्स। एलेप्स का मतलब क्या होता है? गुजर जाना, किसी चीज़ से आगे निकल जाना, किसी चीज़ को पास कर जाना, एलेप्स। ठीक है, एक होता है लैप्स। लैप्स यानी क्या होती है? गलती, मिस्टेक। लैप्स यानी क्या होता है? गलती। ठीक है, आप एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, कुछ मैं एक्स्ट्रा अगर मीनिंग बताऊँ तो आप उनको नोट कर सकते हैं। एक होता है आपका रिलैप्स। देखिए, जैसे कभी कोई बीमारी होती है यदि हमको, और हम उसमें धीरे धीरे सही हो रहे हैं, फिर अचानक से वही बीमारी के सिम्टम्स हमें दोबारा से आने लगे, तो उसको हम बोलते हैं रिलैप्स, किसी चीज़ का वापस आ जाना। ठीक है, तो एलेप्स का यदि मैं अपोजिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? रिलैप्स। ठीक है, एलेप्स यानी क्या होता है? सही हो जाना, किसी चीज़ का गुजर जाना, और रिलैप्स यानी क्या होता है? उस चीज़ का वापस आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मीनिंग है आपका प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यानी क्या होता है? लंबे समय तक। ठीक है, देखिए लॉन्ग्ड लिखा हुआ है, लॉन्ग यानी क्या होता है? लंबा। तो आपको आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड यानी क्या होता है? एक लंबे समय तक। नेक्स्ट देखना सीज। सीज यानी क्या होता है? रोक देना। ठीक है, सीज फायर, आपने एक वर्ड सुना होगा सीज फायर, उसका मतलब क्या होता है? युद्ध विराम होना। ठीक है, युद्ध विराम यानी युद्ध को रोक देना, और सीज यानी भी क्या होता है? किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखना बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल यानी होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल यानी होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, देखना अ लार्ज इन क्वांटिटी, अबंडेंट, इनका मतलब क्या है? प्रचुर मात्रा में होना। और एक और मीनिंग इसमें दिया हुआ है, उदार। ठीक है, तो ये भी इसका मीनिंग है, लेकिन जो एक्यूरेट मीनिंग है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और हमारे एसएससी में आता है, वो है आपका प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में होना, अबंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखना स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल यानी होता है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। फिजिकल यानी क्या होता है? बॉडीली। फिजिकल का मतलब क्या होता है? बॉडीली। और स्पिरिचुअल यानी होता है आत्मा के स्तर पर, आध्यात्म के स्तर पर। ठीक है, नॉन मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि बहुत से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन एक स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट देखना पैट्रॉन। पैट्रॉन यानी होता है संरक्षक, आश्रयदाता, एक ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो आपको आश्रय देने का काम करता है। ठीक है, वो होता है आपका पैट्रॉन। नेक्स्ट देखना कॉमरेड। कॉमरेड यानी होता है दोस्त, सहयोगी। राम प्रसाद बिस्मिल, उनका था, जैसे अगर वो अपने साथियों को बुलाते थे तो वो बोलते थे कॉमरेड्स आओ मिलकर बोले हम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो उनका जो फेमस कमेंट था, जो वर्ड था, तो वो कॉमरेड का यूज़ करते थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी। नेक्स्ट देखना बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी होता है किसी व्यक्ति जिसको, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लाभ मिल रहा है किसी चीज़ का, वो क्या होता है? बेनिफिशियरी। जैसे कि EWS, अगर हम बात करें EWS की, तो उसमें क्या है? रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में EWS वाले भी अब कौन है? बेनिफिशियरी हैं। SC ST वाले थे, OBC वाले थे, अभी EWS वाले भी क्या हो गए हैं? बेनिफिशियरी हो गए हैं, मतलब लाभग्राही, अब उनको भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखना एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव यानी होता है, एक तो होता है एग्जॉस्ट यानी होता है थक जाना, थका देने वाला। ठीक है, कंप्लीट, पूरी तरह से। और एक और क्या होता है एग्जॉस्टिव यानी? संपूर्ण। और एग्जॉस्ट यानी क्या होता है? थक जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखना ट्रांजिटरी, लिखा हुआ है ये ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी यानी होता है कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं होता। ट्रांजिटरी यानी जो चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, चिरकाल के लिए, क्षणभंगुर। ठीक है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, इनका मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए होना। तो देखिए, अगर मैं इनको आपको ट्रिक से बताऊंगा तो आपको फिर वो ट्रिक इतनी सारी बन जाएंगी कि उनको याद करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको एक एग्जांपल से यदि आप थ्रू एग्जांपल के थ्रू यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको अच्छे से याद होंगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कभी भी सिनोनिम्स को ट्रिकों से याद नहीं किया है, क्योंकि ये ट्रिक इंग्लिश में नहीं लग पाते हैं। कई बार आप इतने कन्फ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी किसी में तो लग जाती है ट्रिक, EDM से में बन सकती है, लेकिन सिनोनिम में थोड़ा मुश्किल है।
तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो ये सारे के सारे आपको रट जाएंगे। नेक्स्ट देखना, हमारा जो मीनिंग है वो है फॉर गो। ठीक है, फॉर गो यानी क्या होता है, किसी चीज़ का परित्याग कर देना, रिलिनक्विश कर देना, छोड़ देना। ठीक है, फॉर गो यानी क्या होता है, किसी चीज़ को त्याग देना अपने मन से। नेक्स्ट देखना एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब आपको पता ही होगा, बूफर तू मेरी मैं तेरा, एम्पलीफायर जो साउंड को बढ़ा देता है, ठीक है, किसी चीज़ को लाउड कर देता है, वो क्या कहलाता है आपका, एम्पलीफाई कहलाता है। नेक्स्ट देखना इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है, विद्युत से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, तो विद्युतीकरण कर देना, किसी चीज़ में करंट दौड़ा देना, इलेक्ट्रीफाई कर देना। ठीक है, किसी चीज़ में करंट को दौड़ा देना। नेक्स्ट देखना सेटिस्फाई, ये तो पता ही होगा, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, मतलब कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ, ये तो आपको पता ही होगा सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। नेक्स्ट देखिएगा रिप्लीट। ठीक है, रिप्लीट यानी होता है कंप्लीट, ठीक है, पूरी तरह से, फुल। रिप्लीट यानी को होता है फुल, पूरी तरह से होना, ठीक है, फिल होना, किसी चीज़ का भरा होना, रिप्लीट होना। ठीक है, रिप्लीशन यानी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। रिप्लीशन यानी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। एक होता है आपका रेप्लीकेट। रेप्लीकेट यानी होता है कॉपी करना, जैसे कि कोरोना वायरस, वो क्या करता है, रेप्लीकेशन कर रहा है अपने आप को, क्या करता है वो, रेप्लीकेट करता है, बढ़ा देता है, दुगना तिगना चौगना ऐसा होता चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेप्लीकेट। रेप्लीकेट यानी होता है कॉपी करना, और रिप्लीट यानी होता है परिपूर्ण, ठीक है, फुल। नेक्स्ट देखना रेस्टफुल यानी कि जो शांति प्रिय है। रेस्टफुल यानी क्या होता है, जो व्यक्ति शांति प्रिय है, जिसको रेस्ट करने में मजा आता है। ऑक्यूपाइड यानी क्या होता है, किसी काम में व्यस्त, तो आप सभी को ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, किसी ना किसी काम में व्यस्त। यदि आपको व्यसनों से यानी कि बुरी आदतों से दूर होना है तो आपको ऑक्यूपाइड रहना चाहिए किसी भी काम में। और ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन यानी क्या होता है, व्यवसाय होता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपका पेशा है या आप बिजनेसमैन है, तो ये क्या बताता है, ऑक्यूपेशन। और ऑक्यूपाइड यानी किसी काम में व्यस्त रहना, किसी काम में संलग्न रहना। नेक्स्ट देखना फॉरगो फिर से आ गया। फॉरगो का मतलब क्या होता है, रेलिनक्विश, स्वेच्छा से त्याग देना। नेक्स्ट देखना हैरेस। हैरेस तो आपने सुना ही होगा, हैरेसमेंट होता है, ठीक है, यानी किसी को परेशान करना, तंग करना, गलत हरकतें देना, किसी के साथ किसी को परेशान करना, ठीक है, बॉदर करना, अनॉय, ऑप्रेस, ये सभी क्या है, हैरेसमेंट करना, हैरेस करना किसी को। वेलोसिटी यानी क्या होता है, वेग। वेग पता ही होगा, वेलोसिटी ट्रेन होती है, ट्रेन का क्या होता है, वेग होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में, एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा में किसी चीज़, किसी वस्तु की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, वेग। चाल क्या होती है, किसी भी दिशा में ऐसे ऐसे करके कुछ भी जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाल। वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब उसके साथ आपको दिशा बतानी होती है, वो क्या होती है आपकी, वेलोसिटी। नेक्स्ट देखना एक्यूरेट यानी होता है सटीक, बताने की जरूरत नहीं है। पेसीफाई। पेसीफाई यानी क्या होता है, शांत करना, जैसे कि आपने सुना होगा प्रशांत महासागर, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, द पैसिफिक ओशन, तो पेसिफिक, प्रशांत, शांत, प्रशांत यानी जो शांत हो, पेसिफिक, तो वही क्या है, पेसीफाई वर्ब बन गई, यानी किसी चीज को शांत कर देना। कंडेंस्ड। कंडेंसेशन आपने फिजिक्स में सुना होगा, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा यदि पढ़ाए तो, ठीक है। कंडेंस्ड यानी क्या होता है, सघन कर देना, जैसे कि आप कुकर का भी यूज करते हो तो अंदर जो स्टीम होती है वो क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है। मोमोज कैसे पकते हैं, कंडेंस होके पकते हैं। पानी कैसे बरसता है, कंडेंस, जब बादल क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, तो मिलके क्या करवा देते हैं, वर्षा करवा देते हैं, ठीक है। तो कंडेंस यानी क्या होता है, संघनित हो जाना। नेक्स्ट देखना इमर्स। इमर्स यानी क्या होता है, डूब जाना, किसी चीज में लिप्त हो जाना, और इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इमर्स्ड इन, एनग्रोस्ड इन, तल्लीन हो जाना, याद रखना इन दोनों को, ठीक है। इमर्स यानी होता है डूब जाना किसी चीज में, ये विसर्जित विसर्जित नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है हिंदी में यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी पेन अपने पास में रखिए, ठीक है, यदि आपको पढ़ना है तो। नेक्स्ट देखना ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी क्या होता है, अजीब सा, ऑकवर्ड जैसे नहीं बोलते आप, आपने टीवी के सीरियल में काफ़ी सुना होगा, ये जो आपका स्टाइल है बड़ा ही ऑकवर्ड है, बड़ी विचित्र किस्म का है, ठीक है, अनप्लीजेंट है, जो नॉर्मल चीज़ है उससे अलग हटकर है, जैसे कि शकलक बूम बूम जैसे बाल अगर मैं लेके आ जाऊँ, जैसे टिकटॉक वाले,
ठीक है, टिकटॉक वाले क्या करते हैं, बाल खड़े किए, पेंट कर लिया वहीं पर, और शक्ल बूम बूम की पेंसिल की तरह लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑकवर्ड, उनका अपीरियंस कैसा हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखना, ग्रेसफुल यानी शानदार, भव्य, एलिगेंट, एलिगेंट यानी क्या होता है, अमीर, थोड़ा रिचनेस आती है जिसको देखकर, वो होता है एलिगेंट, ठीक है। डिग्निफाइड यानी जिसकी डिग्निटी हो, तो वो क्या होता है, ग्रेसफुल यानी मनोहारी, जो इसमें हिंदी जो मीनिंग दिया है वो बिल्कुल सही है, और इसके ये आप याद भी कर लेना, एलिगेंट होता है, डिग्निफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, रेडिकल, रेडिकल यानी होता है कट्टरपंथी, ठीक है। रेडिकल नाउन भी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टरपंथी का हो, ठीक है, जो एक ही बिलीफ में रहे अपने और उस पर वो टिका रहे, कट्टर हो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, तो वो होता है रेडिकल। नेक्स्ट देखना, ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी होता है तुच्छ, ठीक है, जिसकी नगण्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ट्रिवियल। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मीडिया के भड़काने पर लोग ट्रिवियल बातों पर लड़ने लगते हैं, यानी कि तुच्छ बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, ठीक है, वही होता है ट्रिवियल। नेक्स्ट देखना, कोर्स, ठीक है, कोर्स यानी होता है बाध्य कर देना किसी चीज़ को, कुछ किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करना, कोर्स करना, ठीक है। और एक होता है कोर्सी, OARSE, वो होता है रूखा खुरदरा, कोर्स, वो क्या होता है, रुका खुरदारा, और एक कोर्स आपका सिलेबस भी होता है, ठीक है, तो इनको याद रखना, ठीक है। कोर्स यानी कि होता है किसी को फोर्स करना, बाध्य करना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, सॉरी, फोर्स करना किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, मजा आ रहा है समझ में, कमेंट में जरूर बताना यदि आप चाहते हैं, क्योंकि पोल आया था मेरे पास में, ठीक है, कि आपको वोकेबलरी चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ट्रिक मत कीजिए, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इतने सारे मीनिंग्स हैं, आप हर एक की ट्रिक याद नहीं कर सकते, आप जीके में भी अब ट्रिक लगाते हैं, तो ट्रिक यानी क्या है, शॉर्टकट, और शॉर्टकट लॉन्ग समय तक याद नहीं रहता, ठीक है, इसको विश्वास कीजिए आप। मैंने भी पहले स्टार्टिंग में खूब ट्रिक लगाने की कोशिश की बनी, लेकिन वो एक अल्प समय के लिए, ठीक है, ट्रांजिएंट ही रहती हैं वो, ठीक है, ट्रांजिटरी रहती हैं, अल्प समय के लिए रहती हैं। उससे बेटर क्या है कि आप इन, जैसे यदि आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आप चैटिंग करते रहते हैं किसी से, तो वहाँ पर ये मीनिंग आप अप्लाई कर दिया करिए, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। ये जैसा अजय सर ने आपको बताया था कि आप, जैसे एक मेरा दोस्त था वो पागलों जैसी हरकतें करता था, तो मैंने उसका नाम डिमेंटेंट रख दिया था। डिमेंटेंट का मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है, डिमेंटेड यानी क्या होता है, पागल होता है, तो मैंने उसका मतलब ऐसे, मैंने उसका नाम रख दिया था, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। कैप्रिशियस, एक फ्रेंड था मेरा, उसका नाम मैंने कैप्रीशियस रख दिया था, क्योंकि उसका मूड स्विंग होता था, कभी वो हाँ कहता था, कभी ना कहता था, मतलब कि वो क्या था, मनमौजी था, तो उसका नाम मैंने कैप्रीशियस रख दिया था। तो ऐसे जब आप इनको व्यवहार में ले आएंगे ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि एक था, देखो, गिव अ कोल्ड शोल्डर, तो इसको भी मेरे फ्रेंड ने याद कराया था कि उसने किसी से हेल्प मांगी होगी, तो उसने पहले बोल दिया था कि हाँ मैं तेरी मदद कर दूंगा, अब उसने मना कर दिया बाद में, तो वो फ्रेंड मुझसे बोलता है, अरे यार कि इसने मना कर दिया, ये है ना, कोल्ड शोल्डर दे रहा है मेरे को, कोल्ड शोल्डर दे रहा है, मतलब कि बिकम अनफ्रेंडली, यानी कि दूर होने की कोशिश करना, दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करना, ये क्या होता है, गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं वाक्य में प्रयोग करके, भले हिंदी में करो तो आपको जल्दी याद होगा, और कमेंट में मुझे बताना जरूर कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको भी क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, फिर जो आपको पसंद है मैं चाहता हूँ मैं वही आपको पढ़ाऊँ, और अभी मेरी बात मानिए, आप पढ़ाई चालू कीजिए, मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा बाद में आपको, नहीं तो बहुत अफसोस होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, कैजोल, कैजोल यानी क्या होता है, फ्लैटर, चापलूसी करना किसी की, जैसे कि काजोल, काजोल ने बाऊजी 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 कर करके क्या कर दी थी, चापलूसी कर दी थी बाऊजी की, ठीक है, फुसला दी थी, ठीक है। और शाहरुख खान भी काजोल को क्या करते थे, वो पिक्चर में कैजोल करते थे, चापलूसी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, एनचांट यानी क्या होता है, मोहित कर देना, जैसे किसी, कोई इतना सुंदर होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि उसको देखकर हम क्या हो जाते हैं, एनचांट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कोई सुंदर, कोई सुंदरी निकल रही है, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, एकदम एनचांट हो जाते हैं, वाह कितनी सुंदर है ये, ठीक है, तो वो दिल से प्रसन्नता निकलती है उसके लिए, तो ये क्या होता है, एनचांट होना। तो इस प्रकार से देखिए, जो मैं ये बता रहा हूँ, तो कृपया मुझे जज ना करें कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें आप अपनी डेली जिंदगी में करते हैं, चाहे आप माने या ना माने, हर इंसान करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखना,
क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी भी क्या होता है, ट्रांजिटरी, अल्प समय के लिए। ये जो क्रॉनिक वर्ड है, क्रॉनिक, ये किया जाता है बीमारियों के साथ, जैसे कि क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है, स्टोन के कारण या किसी बीमारी के कारण आपकी किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं कुछ टाइम के लिए, देन आपको डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है, मतलब आपको नहीं, जो भी अगर पेशेंट है उसको कहाँ पर रखा जाता है, डायलिसिस पर रखा जाता है, क्योंकि वो क्या है, क्रोनिक है। यदि एक्यूट हो जाती है, देखिए क्रोनिक का उल्टा होता है एक्यूट, ACUTE, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है, परमानेंट। यदि एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है तो उसकी जो किडनी है वो परमानेंट खराब हो जाती है। ठीक है, एक्यूट अगर किडनी फेलियर होता है तो उसकी किडनी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। और जो क्रोनिक होती है वो होता है टेम्परेरी, किसी बीमार का, जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर, यानी कि टेम्परेरी रूप से हार्ट का काम करना बंद कर देना। यदि एक्यूट हार्ट फेलियर हो गया तो इसका मतलब है कि अब वह परमानेंट खराब हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, टेम्पररी। ठीक है, वही क्या होता है, अस्थाई, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, टेम्पररी, क्रोनिक, ये सब क्या होते हैं, अल्प समय के लिए। लेकिन सबका यूज़ अलग अलग है। ये कहाँ पर आता है, आपका क्रॉस टेस्ट के अंदर आता है। जैसे कि खालिस्तान दे दिया किडनी फेलियर, अब टेम्पररी किडनी फेलियर, ट्रांजिटरी किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर, तो आप क्या लगाओगे। देखो सबका मतलब क्या होता है, अल्प समय के लिए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पर, क्रोनिक लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये चीज़ किससे आती है, एक्सपीरियंस से। जब आप डिटेल में, यदि आप इनकी ट्रिक बना बना के याद करेंगे ना, ये कभी याद नहीं होंगे, याद रखना। नेक्स्ट देखना, इनडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके, ये वन वर्ड है आपका। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसको कभी ना, हम कभी ना मिटाया जा सके, इनडेलिबल। नेक्स्ट देखना, एलिजिबल यानी कि अस्पष्ट। ठीक है, एलिजिबल यानी क्या होता है, अस्पष्ट, जिसको पढ़ा ना जा सके, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिस चीज़ को पढ़ा ना जा सके। ठीक है, ऐसे होता है इन एक्सप्लीकेबल, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। ठीक है, ऐसे एलिजिबल यानी अस्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ट्रम्प, ट्रम्प यानी क्या होता है, विजय, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, अभी कौन है वो सबसे बड़ा पद है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ट्रम्प उसी से याद कर लेना, विजय। ट्रम्प यानी क्या होता है, जीत, विक्ट्री। नेक्स्ट देखना, अटैक, अटैक का पता ही होगा, हमला करना होता है। एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल यानी क्या होता है, विस्तार करने योग्य, जिस चीज़ को हम विस्तार कर सकें, ठीक है, एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें, एक्सपेंडेबल। जैसे एक्सपेंडेबल स्टोरेज होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि आप अपने स्टोरेज कंप्यूटर में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखना, लिजरली, ठीक है, लिजरली यानी क्या होता है, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, आराम से, जल्दबाजी में नहीं, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, लिजरली, लिजायर यानी क्या होती है, आराम होता है। ठीक है, लिजायर यानी ऐसी, लिजायरली। ठीक है, लिजायरली। एमिनेंट, एमिनेंट यानी क्या होता है, सुप्रसिद्ध, विख्यात। एमिनेंट यानी क्या होता है, सुप्रसिद्ध। मेरा पास में भी एक एमिनेंट स्कूल है, मतलब क्या है, वो सुप्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध स्कूल है। कमेंस यानी क्या होता है, शुरू करना, आरंभ करना। तो याद रखना, कमेंस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का याद यूज किया जाता है। ठीक है, कमेंस ऑन, कोई भी अगर डेट होगी तब भी कमेंस ऑन, और कोई अगर डे हुआ तब भी कमेंस ऑन का प्रयोग किया जाता है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज यानी क्या होता है, बल देना, किसी चीज पर बल देना, एम्फेसाइज, जोर देना किसी चीज पर, एम्फेसाइज करना। ठीक है, जैसे के लिए मैं, जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए एम्फेसाइज करता रहता हूँ, है ना, वही चीज। प्रोहिबिशन यानी क्या होता है, रोक देना, प्रोहिबिट कर देना, रोक देना किसी चीज़ को। जैसे पार्किंग हमारे कैंपस के अंदर नहीं आएगी, कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, पार्किंग बाहर लगाओ, ठीक है, प्रोहिबिट कर देते हैं उसको। स्मोकिंग इस एरिया में नहीं की जाएगी, प्रोहिबिशन है, स्मोकिंग का क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है, जटिल। नेक्स्ट देखना, मॉडिफिकेशन यानी क्या होता है, बढ़ा देना, मॉडिफिकेशन यानी क्या होता है, मॉडिफाई, बाइकों को नहीं करवाते, मॉडिफाई करवाते हैं ना, मतलब और उसमें एनहांसमेंट करवा देना किसी चीज़ में, मॉडिफाई कर देना, बाइकों का मॉडिफिकेशन करवाते हैं। ये पता चला स्प्लेंडर को बुलेट बना डाला, तो वो क्या है, स्प्लेंडर को क्या कर दिया, मॉडिफाई करके बुलेट बना दिया, वो होता है मॉडिफिकेशन। ओवर विलेमिंग यानी होता है जबरदस्त, एस्टोनिश, शानदार, अमेजिंग। ओवर विलेमिंग यानी क्या होता है, शानदार होता है, ओवर विलेम हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, ये क्या होता है, ओवर ब्लेम। डिस्टेस्ट यानी, डिस्टेस्ट यानी डिसलाइक, ना पसंद की, टेस्ट ना हो जिस चीज में। ठीक है, तो ये क्या है आपके सारे के सारे, ये मैंने आज आपको इतने सारे मीनिंग याद करा दिए। अब आपको क्या करना है,
इस वीडियो को या तो आप बार बार देख लेना, 2 से 3 बार, या फिर आप इनको एक बार अपनी कॉपी पे लिख लेना और याद कर लेना, तब भी आपको ये मीनिंग्स याद हो जाएंगे। और कमेंट ध्यान से वीडियो के लास्ट में आप कर देना। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आशा करते हैं कि कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ। लेकिन यदि आप रिलक्टेंस दिखाएंगे, ठीक है, रिलक्टेंट अगर आप होंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।